तो गाइस मई का महीना आने वाला है और स्मार्टफोन कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं बहुत सारे स्मार्टफोन। तो अगर आप भी वेट कर रहे हैं उन्हीं सब स्मार्टफोन का, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं मई 2022 में। इसमें से कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो अप्रैल के एंड तक लॉन्च हो सकते हैं, तो चलिए एक एक करके उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोको की। तो पोको लॉन्च कर सकते हैं अपना पोको F4 GT Pro और F4 GT। ये दोनों ही स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक होंगे और इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 4700 mAh की बैटरी मिलेगी और 120 W का सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा। इसमें 6.6 inches की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz की होगी। कैमरा की बात करें तो इसमें एक 64 MP का मेन कैमरा होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 2 MP का मैक्रो कैमरा होगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। और एट द एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये अराउंड 30,000 की प्राइस में इंडिया में आ सकता है। सेकेंड फ़ोन की बात करते हैं तो वो है आईकू का Z6 Pro। ये एक 5G फ़ोन होने वाला है जो 27 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 45,000 mAh की बैटरी, 66 W का एक फास्ट चार्जर मिलता है, एक 6.4 inches का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 90Hz रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो इसमें 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें एक 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये अराउंड 25,000 में लॉन्च हो सकता है। थर्ड फोन की बात करते हैं तो वो है OnePlus 10R या फिर कह लो Realme Neo GT 3। ये दोनों ही फ़ोन मई में लॉन्च होने वाले हैं और इन दोनों की स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन 90% सिमिलर है। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus 10R की। तो इसमें आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर, 45,000 mAh की बैटरी, 150 W का फास्ट चार्जर, 6.7 inches की फुल HD प्लस 10-bit OLED डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट। इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको 50 MP का मेन कैमरा विद OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 MP का मैक्रो कैमरा है। प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 35,000 में लॉन्च हो सकता है। थर्ड फोन की बात करते हैं यानी Realme Neo GT 3। ये मोस्टली सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो आपको OnePlus 10R में देखने को मिलेगी, सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी, सेम चार्जर, सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा सेटअप। प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 25,000 to 30,000 में आ सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई और स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है तो मैं उनकी जानकारी आपको ट्विटर पे देता रहूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ट्विटर।